हाँ बोलू, मैं कितना खुशनसीब इंसान हूँ, मेरी जिंदगी कितनी अंधकार, मैं बहुत खुशनसीब इंसान जो तुम्हारा साथ मिला। अगर तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी तो वैसे ही अंधकार है और अंधकार हो। देखो ना, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी कितनी बदल गई। बस हितांशी, एक काम करो, तुम मेरा चेकबुक ला दो। हाँ जी, बाय। जी, ऐसा करो हितांशी, इसमें 1 लाख का चेक बना दो। लो, हितांशी कोई आया है क्या? हाँ, वो मोहन जी आए हैं। अच्छा, मोहन जी आए हैं। हाँ आई, मोहन जी आई आई बैठिए इधर। कैसे हैं आप? हाँ हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। अच्छा। और आप बताइए। मोहन जी, और सब ठीक चल रहा है आपका काम? बहुत बढ़िया। आपका कैसा चल रहा है? मैं बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बस यही थोड़ा काम है उसको कराने जा रहा हूँ। हाँ, चेक रेडी है। अच्छा, साइन कर दीजिए। आप साइन कर दीजिए। अच्छा, नीचे नीचे। ये लो हितांशी, तुम्हारी मम्मी को जरूरत है ना, ये उनको दे दो। जी, उनकी तबीयत खराब थी लेकिन वो अब ठीक हो गई है। कोई बात नहीं, कभी उनको अगर जरूरत पड़ी तो वो निकाल लेंगे, ये उनको दे। ठीक है जी। हितांशी, कल इसे बैंक में जमा करा दे। लेकिन कल तो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा। मोहन जी। हाँ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट था। अरे आप तो हुक्म कीजिए सर। ये जो चेक है ना, अगर आप जमा करवा देते तो आपका बड़ा उपकार होता। अरे अरे, कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल करवा देंगे, आप जो चाहेंगे वो कर देंगे हम। शुक्रिया मोहन जी। शुक्रिया उक्रिया मत कहिए, मैं तो बस जी में देने आया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था जो आप आए किस काम से थे। हितांशी, थोड़ी सी चीनी दे दो मोहन जी को। हाँ अभी आती हूँ। हाय, नजर न लग जाए किसी की मेरे चांद को। वो अंधा तो मुझे देख नहीं सकता और मैं कहीं बाहर जाती नहीं, नजर तो मुझे सिर्फ तुम ही लगा सकते हो। अच्छा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मेरी निगाह कहीं और जाती ही नहीं मेरी जान। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी निगाहों में बसा लो। अरे बस ये अंधा रास्ते से हट जाए, तुम्हें अपने निगाहों में क्या
दिल दिमाग सब में बसा लूं। चल। मगर हितांशी, हम यूं कब तक ऐसे छिप छिप के मिलते रहेंगे? जब तक ये अंधा मर नहीं जाता। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? मैं आज ही उस अंधे को मार देता हूँ। अरे नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? तो क्या करूं मैं, मुझे ये रोज छुप छुप के मिलना अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, पर क्या करें, इस अंधे को रास्ते से तो हटाना ही होगा, लेकिन इस तरीके से हिसाब भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब? वो कुछ समझा नहीं। मतलब ये अंधा मर भी जाए और हम पे इल्जाम भी ना लगे। वो कैसे? इसके लिए कुछ सोचना होगा। तो फिर सोचो ना। ठीक है, जो होगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। अरे हितांशी, चीनी अभी तक मिली नहीं क्या? अब जल्दी चलो, वरना उसको शक हो जाएगा। हाँ जी, मैंने दे दी चीनी। अच्छा जी। मोहन जी, जी चीनी मिल गया आपको? बहुत ज्यादा। ठीक है राहुल जी, मैं चलता हूँ। हाँ जी, फिर कभी आऊंगा। ठीक है मोहन जी, नमस्ते। चलिए अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। अच्छा हितांशी, एक मिनट तुम मेरे साथ। हाँ बोलो। हितांशी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मेरे अंधे होने के कारण तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम पर बोझ बन गया। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा मत बोलिए आप। हितांशी, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना कभी? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब चलिए आराम कर लीजिए। अच्छा आइए। उफ, इस अंधे की सेवा करते करते तो मैं थक चुकी हूं, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। अरे मोहन भाई, बड़ी गर्मी हो रही है यार। गर्मी तो है ही भाई। अरे यार एसी वेसी भी लगवाते यार, एसी में बैठते, ये पैसे ही नहीं है, क्या बताऊं मैं आपको। अरे तुम जैसों के पैसे नहीं होंगे, अरे मजदूर कहीं के। तो तुम्हारे पास कौन से पैसे हैं? तुम भी तो मेरे साथ यहीं बैठे हुए हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बस घर में बैठा रहूं। तेरे भाई ने इतने जाल बिछा रखे है ना, एक दिन में इतना अमीर हो जाएगा ना कि तू सोचेगा भी नहीं। तूने सही याद दिला दिया भाई। क्या होगा तुझे? मोहन का फोन। हेलो। हेलो हितांशी। हाँ मोहन। जान, मिला क्या कोई आइडिया? नहीं अभी तक तो नहीं मिला, आपको मिला कोई? हाँ मुझे मिल गया है। जल्दी बताओ क्या आइडिया है। सुनो, रात को खाने के वक्त है ना, उसको नींद की गोलियां जो है ना खाने में मिला के खिला देना। नींद की गोली? लेकिन नींद की गोली से क्या होगा? अरे मैंने जितना बोला ना उतना करो। ठीक है बाय। अबे किसको नींद की गोली दे रहा है तू? अमीर नहीं बनना क्या? पागल हो गया है क्या? भाई ऐसे तो साथ रहना भी सही नहीं है। अरे तो जान है। अरे गरीब, इस काम बन जाए एक बार। पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
अरे उठ जाओ, रात हो गई है, खाना नहीं खाना क्या आपको? उठो। पता नहीं कैसे आंख लग गई। पीछे हो जाओ पीछे। अच्छा। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा। लीजिए जी। अच्छा। ये लीजिए। तांसी, लगता है दाल में नमक नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं शायद भूल गई होंगी, मैं अभी लाती हूँ। हाँ। ले आई मैं नमक, अभी मिला देती हूँ। अच्छा अच्छा लीजिए, अब नमक ठीक होगा। अच्छा। हाँ, अब सही है, बिल्कुल। लीजिए। ये लीजिए। बस हितांशी, अब भूख नहीं है। अरे लास्ट चम्मच, खा लीजिए खा लीजिए। मुझे थोड़ी नींद सी आ रही है, अब मैं थोड़ा खाना खा लिया हूँ, अब मैं आराम कर लेता हूँ। अच्छा कोई नहीं, आप अब सो जाइए। हाँ, मेरा सिर भी दर्द हो रहा है। अच्छा। हाँ। कोई नहीं, आप आराम कीजिए। अच्छा, एक मिनट रुकिए। आराम से, बस बस बस। आप सोइए, मैं तब तक घर के काम निपटा लेती हूँ। हाँ। राहुल, हेलो मोहन। बोल मेरी जान। मैंने अपना काम निपटा दिया है, तुम कब तक आओगे? यही तुम्हारे दहलीज पे ही हूँ, गेट खोलो। अच्छा, अभी आई। आओ। अरे सोया हुआ है क्या? आप भी हो गया काम? देख अब इसका क्या करें। अभी एक काम करते हैं, इसको बांध देते हैं। तुम कपड़ा लेके आओ, मैं बांध दूंगा इसको। कपड़ा वहां देखो, वहां रखा होगा। हाँ, इसे ही बांध देते हैं। जल्दी करो, ये तो उठ रहा है। ये उठ कैसे रहा है? तो तुमने इसको दवाई नहीं दी थी क्या? नहीं, दवाई तो मैंने दी थी। लगता है गलत गोली दे दी तुमने। अरे नहीं, इसने खाना कम खाया था, गोली का असर नहीं हुआ लगता है।
हितांशी कौन है ये? हितांशी कौन है ये? क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? कौन है तुम? हितांशी कौन है ये? कौन है तुम लोग? क्यों मार रहे हो मुझे? मौन छोड़ मौन। कौन है तुम बताओ? मेरे को एक काम है, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अब तक इसको पकड़ के रखना है। हितांशी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे चुप कर अबे अंधे, तुझे क्या लगा था मैं तुझसे शादी करके खुश हूँ? नहीं, बल्कि जब से तुझसे शादी हुई ना, मेरी जिंदगी हराम हो गई है। हितांशी वो तो मैंने बस तेरे पैसे देख के तुझसे शादी की थी, बस समझा? हितांशी तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम कैसे कर सकती हो तुम? अबे अंधे चुप रह। हितांशी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? छोड़ो मुझे हितांशी, छोड़ो मुझे। चुप चुप कर बिल्कुल। हितांशी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? छोड़ दो मुझे। ए चुप। हितांशी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। कौन नहीं, कौन ये क्या कर रहे हो तुम? तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अरे मैंने तो ये सब कुछ तेरी जायदाद के लिए किया है, ताकि तेरे इस अंधे और तुझसे छुटकारा पाके सारी जायदाद ये पैसा मेरा हो जाए, समझी? मोहन छोड़ दे मुझे। हट। मोहन क्या कर रहे हो ये? तूने बहुत परेशान किया मुझे। मोहन और एकदम साइलेंट रहना, समझे? कोई है? किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी बाहर, समझ गए? तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी। मोहन तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। कोई बचाओ, बचाओ। चिल्लाएगी? कोई है? सर सर मेरे नहीं, मेरे को इन दोनों ने पकड़ा था। चुप सर। लेजर आप तो ठीक है ना? ठीक है सर, वो भी मेरे साथ मिली हुई है। मैं सब मालूम है। चुप चल। हितांशी जी आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं सर, आप हितांशी को छोड़ दो। मगर सर मुझे पता है, इस मोहन ने हितांशी को मेरे खिलाफ भड़काया था। ठीक है तो मैं इस मोहन को ले जाता हूँ। हितांशी ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन राहुल मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो आपको मारना चाहती थी। हितांशी मैंने तुम्हें इसलिए बचाया ताकि तुम अपनी गलतियों को सुधार कर और आगे कोई भी ऐसी गलती न कर। लेकिन राहुल आपको कैसे पता ये पुलिस वाला यहाँ कैसे आया? आज जब तुम मोहन से बात कर रही थी तो मैंने सारी बात सुन लिया, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मेरे खाने में नींद की गोली खिलाई थी, और तब मैंने पुलिस को फोन किया। राहुल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। हितांशी तुम मुझसे माफी मत मांगो, ये गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी भी। अगर मैं अंधा नहीं होता तुम ये सब करने की सोचती भी नहीं। हितांशी तुम मुझे माफ कर दो, मेरे अंधेपन से तुम्हें कितना कुछ दुख सहना पड़ा। नहीं राहुल, इतना कुछ करना पड़। नहीं राहुल ऐसा मत बोलो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, और मैं इतना गिर गई कि मैंने तुम्हें मारने की सोची। मैं उस मोहन के बहकावे में आ गई थी राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राहुल।